तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर हम आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर को। और गाइस, मैं अगर तुम लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि तुम लोगों को तो तुम सभी लोग को याद ही होगा कि जिन जिन ने वीडियो देखा होगा कि लास्ट वाला लाइव स्ट्रीम में मैं थोड़ा सा हमारा जो शॉप था, मतलब डीलरशिप है इस कार फॉर सेल के अंदर, जो हमारा डीलरशिप है उस कार फॉर सेल के अंदर डीलरशिप को मैंने अपग्रेड किया था थोड़ा सा। और आज के इस वाले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या हमने वो अपग्रेड जो किया था उससे अभी मैं ऑफलाइन में कुछ अपग्रेड किया हूँ जो तुम लोगों के साथ शेयर करना था। वो बहुत ही खूबसूरत मैंने डेकोरेट किया हूँ ऑफलाइन में धीरे 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 सोच के, ठीक है ना। इसीलिए मैं वो वाला वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था जब मैं अपग्रेड कर रहा था इस हमारा डीलरशिप को। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, तुम लोगों को मैं सारे गाड़ियां दिखाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, अगर किसी को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, कार फॉर सेल के अंदर हमारे पास जो भी न्यू देख रहे हो मेरे, उनको लिए एक कॉन्टेक्स्ट मैं दे देता हूँ। जो भी न्यू देख रहे हो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस गेम के अंदर हमारे पास एक डीलरशिप है, जो डीलरशिप को मैं अपग्रेड किया था अगले वाले लाइव स्ट्रीम के अंदर। मैं लाइव स्ट्रीम किया था इस गेम का, तब हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर एक डीलरशिप का थोड़ा सा अपग्रेड किया था जो कि है ये वाला। तो तुम लोग देख ही लिए होगे सबने कि कैसा हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया था, ठीक है ना गाइस। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत चेंजेस किया हूँ उसके अंदर, ठीक है ना गाइस। तो उस वाले सीन को मैं थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेड करा हूँ ऑफलाइन में, और वो क्या है मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ वीडियो पे बने रहो क्योंकि हम आज एक और रेयर कार्ड ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रेयर कार्ड है और उसका भी बहुत सारा कॉपी मेरे को ऑफलाइन मिल चुका है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैं पहले शोकेस दूसरा सुबह कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो फाइनली गाइस हमारा नेक्स्ट सुबह हो चुका है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, और मैं इसको बंद कर देता हूँ और सीधा चलता हूँ मेरे शॉप के उधर, और मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ है। तो लुक एट दिस डीलरशिप गाइस, इतना बड़ा डीलरशिप मैंने बना चुका हूँ, और मैं तुम लोगों को थोड़े थोड़े और बहुत सारा गाड़ियां भी मैंने स्टॉक कर लिया है। कौन सा गाड़ियां है मैं तुम लोगों को बताते चलूंगा एक एक करके। और ये चार जो है ये इन नीचे में साइड में जो रहने वाला है ये रहेगा हमारा सुपर कार्स के लिए, ठीक है ना। चार सुपर कार्स में खड़ा होगा, और जो जितना भी सुपर कार तुम इधर देख रहे हो, ये सारे गाड़ियां जितना भी देख पा रहे हो इसके अंदर, सारे गाड़ियों में मैंने मतलब हमारा ड्रैग रेस से जीता है, ठीक है ना गाइस। और आज कुछ ड्रैग रेस भी करेंगे, और मैं जो बता रहा था गाइस, ठीक है ना। और इस ऑफिस के मतलब इस डीलरशिप के अंदर हमारे पास एक ऑफिस है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये हमारा ऑफिस है जहाँ पर कस्टमर बैठ सकता है। ये मेरा कंप्यूटर टेबल है, ठीक है ना। और ये मेरा डेकोरेशन मैंने किया है इधर, फ्लावर वर्ड्स बस लगाया हूँ। और अभी चलता हूँ और एक खास चीज दिखाने के लिए तुम्हें गाइस, ठीक है ना। वो है देखो गाइस, इधर ये लिफ्ट है, ठीक है ना, जिससे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। जब तुम इसका फंक्शन देख पाओगे, जब मैं गाड़ी वगैरह ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर जितना भी गाड़ी रहेगा वो सारे महंगा गाड़ी रहने वाला है, ठीक है ना। और कुछ महंगा गाड़ी इधर भी रहेगा, ये जितना भी नीचे ये चारों स्लॉट है इन चारों में सुपर कार्स रहेगा, और नीचे एक भी सुपर कार नहीं रहेगा, सारे के सारे ऊपर ही रहेगा। और रेयर सुपर कार के लिए मैंने जगह बना के रखा हो, और अगर मैं इधर से गिर जाता हूँ तो ये वाला जगह है बचाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए वही। तो अगर मैं जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, इधर से मैं अगर नीचे गिर जाता हूँ तो आगे की जाने की कोई सवाल नहीं है। तो मैं इधर एक डोर लगाया हूँ जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ, ठीक है ना गाइस। तो तुम लोग देखा कि मैंने सारे इंतजाम मैंने करके रखा हो, और अभी लेके चलते हो हमारे सेकंड वाले फ्लोर पे, और क्या है वो फ्लोर में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना गाइस। और गेम थोड़ा सा लैग कर रहा है, इनका ऑप्टिमाइजेशन बहुत खराब है भाई इन वालों का। और मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये हमारा लिफ्ट ऊपर आएगा, और इधर भी देखो तीन ये रखा हुआ है, चार
और इधर देखो एक रेयर कार्ड इधर घूम रहा है, साढ़े तीन चारों सेशन में हमारा चार रेयर कार्ड है, चारों रेयर कार्ड को मैं इधर लगाने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है ना। और देखो मेरे पास डॉज वाइपर अभी दो इधर है, नीचे एक मेरे स्पेशल है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना, डॉज वाइपर। तो टोटल कुल मिला के मेरे पास गाइस तीन डॉज वाइपर हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है गाइस? प्रॉब्लम ये है कि हमें और तीन मतलब जो रेयर कार्ड्स है उनको फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे कि निसान जीटीआर हो गया, उसके बाद हमारे पास और दो गाड़ियां आता है, जैसे कि फरारी एक ट्रिपलेक्स करके इधर गेम के अंदर नाम है, और उसके बाद एक गाड़ी है जो है हमारा मजदा, ठीक है ना, मास्टर RX-7। लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा, और इधर क्या घटिया गाड़ी ड्रैग रेस के लिए आके रखा है, तो मैं इनके साथ ड्रैग रेस तो नहीं करने वाला। तो मैं टेस्ला को लेके क्यों घूम रहा हूँ पता है? इसका साउंड बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा लेके घूमता रहता हूँ, क्योंकि इसका साउंड बिल्कुल कम है और तेल भी बहुत कम पीता है भाई ये वाला गाड़ी। मैं कब का फुल टैंक किया था पता है, और लेकिन अभी भी इसका टैंक चल रहा है। और मैं तुम लोगों को दिखा दूं, इधर एक सेवरलेट है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, उसके बाद हमारा MG5 है, उसके बाद इधर है हमारा गाइस हमारा क्या बोलते हैं मर्सिडीज, क्या मॉडल पता नहीं, इधर है फरारी जैसे कि देख पा रहे हो, सुप्रा, उसके बाद पोर्शे, और इधर बाप रे खड़ा हुआ है जो कि मेरे को अंदर लेके जाना है। और साथ ही साथ बहुत सारा गाड़ी है, उधर भी देखा होगा, उधर भी मैंने गाड़ियां खड़ा करके रखा हूँ, और फिलहाल के लिए इस गाड़ी को मैं ट्यून वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो ट्यूनिंग का तो तुम लोगों को पता ही होगा, बहुत आसान रहता है ट्यूनिंग वगैरह करना। तो जल्दी जल्दी इन भाई साहब को बोलते हैं भाई इनमें इंस्टॉल करो, और भाई बहुत ऊंचा गाड़ी बना के रखा है, और जिसने भी बना के रखा है इस गाड़ी को बहुत ऊंचा गाड़ा था भाई इसका। और इसको मैं मेरा जो हमेशा के लिए रहता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी में कोई डैमेज वगैरह है क्या, चेक कर लेते हैं गाइस। बिल्कुल नहीं है, मैं इसी के लिए इसको जाके मैं अभी हमारे अंदर रखूंगा इस गाड़ी को भी बेचने के लिए, पूरा शोरूम करेंगे, ठीक है ना गाइस, उसके बाद सीलिंग करेंगे। शायद से नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम सारे गाड़ियों भर देंगे इस मतलब ये जो हमारा बड़ा सा डीलरशिप है इसमें, और मैं सारे गाड़ियों को इधर देखो ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसका काम तुम लोग नहीं देख पाओगे लिफ्ट का, अभी मैं इसको लेके चलता हूँ, और मैं इस वाले गाड़ी को इधर पार्क करने वाला हूँ, बहुत जो कि ऐसे खड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेस घेरने वाला है ये वाला गाड़ी, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी गाड़ी है, इसीलिए इस गाड़ी को ओल्ड एज गाड़ी इधर रहेगा, और सारे जितना भी कमजोरी गाड़ी है सारे के सारे गाड़ियाँ इधर ही रहने वाला है। बहुत सारे गाड़ियाँ तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा गैप भी रखना पड़ेगा, इधर तीन गाड़ियाँ आ सकता है, इधर दो गाड़ी आ सकता है, तो हाँ दो गाड़ी आ सकता है, इधर भी तीन गाड़ी आ सकता है उधर, ठीक है ना गाड़ी। तो फिलहाल अभी चलते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास तो रेगरेस करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा क्या करता हूँ घर चलता हूँ, सो जाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बार सुबह कर लेता हूँ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। तो गाइस क्या करता हूँ मैं जल्दी जल्दी सो के सुबह कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस, और मंडे आ चुका है और बिल्स पेमेंट करने का डे भी आ चुका है। क्या ग्लिच है देखो, कभी कभी ये गेम ग्लिच करता है बहुत ज्यादा, ये देखो क्लिक ही नहीं हो रहा है भाई, डेवलपर्स जल्दी इसको ठीक करो इस प्रॉब्लम को भाई, नहीं तो ऑप्टिमाइजेशन जितना खेला ही नहीं जा रहा है इस गेम, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कमी है भाई, बहुत लैग कर रहा है गेम, बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है, अदर्स गेम करता नहीं है इतना लैग, पता है गाइस बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। मैं ऑफिस चलता हूँ, और मेरे को ना आज सारे गाड़ियों को सेल्स पे लगा देना है, क्योंकि जितना जल्दी हम सेल्स में लगाएंगे उतना हमें टेंशन फ्री होने वाला है, ठीक है ना, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि कौन सा गाड़ी आगे था कौन सा गाड़ी पीछे था, इसी हिसाब से अगर हम लगा देंगे सेल पे तो अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो टेस्ला को स्लो कर लेते हैं भाई, भाई 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 स्लो जा, और देखते हैं कौन सा गाड़ी आके रखा है इधर। और ये है हमारा MG5 स्टेशन वेगन, जो कि हमारे पास इधर ही खड़ा होकर रखा है, मैं दिखाता हूँ, इधर भी बहुत सारा गाड़ियाँ है, मैं दिखा देता हूँ कौन सा गाड़ियाँ है इधर, देखो एक एक करके दिखाता हूँ।
ये है हमारा फेथ अव्रत, ठीक है ना, और ये हमारा ऑडी आर आर, ये रहा और हमारा डॉज वाइपर, प्यारी डॉज वाइपर, एक ही रेयर कार है हमारे पास अभी, और ये रहा बाकरेगर, ये रहा एमजी स्टेशन वेगन, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, इसीलिए मैं इसको रख दिया। बीएमडब्ल्यू है हमारा और लैम्बोर्गिनी क्लच। तो फिलहाल चलते हैं इसके अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी का रेस करा लेते हैं। ये गाड़ी अच्छे खासे 1 लाख के ऊपर बिक जाता है, मैं 50,000 के ऊपर हर गाड़ी हमारे पास बाय करके रखा हूँ मैं। तो इसको पहले तो वॉश करके तुम्हें कलर दिखाता हूँ भाई, ये बहुत गंदी लगता है, जिससे कि मेरे को स्किन पॉइंट भी मिल जाता है। और हम ना क्या करेंगे, ड्रैग रेस करने के टाइम ना ऑब्वियसली गाड़ी को चमका लेंगे, नहीं तो बहुत गंदी दिखने वाला है भाई, बहुत ज्यादा गंदी। तो जल्दी जल्दी इन मैडम जी से कार वर्सेस कर करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली गाइस हम लोग रेस में आ चुके हैं और मेरा जो पुराना वाला टेक्निक है मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ इस बार भी ड्रैग रेस के अंदर, ठीक है ना। वो ब्लैक वाला स्टेशन वीगन मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि जितना हमारे पास गाड़ी रहेगी हम उतना सारा गाड़ी बेच सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो अच्छा खासा ड्रैग रेस कर लेते हैं और जीत जाते हैं ये वाला गाड़ी, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा तुम्हारा भाई है पीरो, पर भाई को आ रहा ना मुमकिन भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो नाइट को भी मार देते हैं और जैसे कि देख पा रहे हो हमें, मेरे को हराना मुमकिन भी नहीं है, देख पा रहे हो कितना लीड है मेरे पास, बहुत ज़्यादा लीड है भाई, बहुत ज़्यादा लीड लेके मैं चल रहा हूँ गाइस। मैं अगर नाइट्रो भी ना मारता फिर भी जीत जाता, पता है तुम्हें, बहुत ज़्यादा लीड पे था, पर हार्डली 1 मिनट ही लेट होता, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंड ही लेट होता, मिली सेकेंड से हम 9 पॉइंट समथिंग सेकेंड में कर दिए थे, 9 या तो 8 सेकेंड में, मेरे को याद नहीं है। तो मैं उस गाड़ी को उधर बैठा, मतलब हमारे जो पार्किंग स्लॉट है उसमें मैं भेज दिया हूँ, और इस गाड़ी को मैं इसके पोजीशन में दोबारा से स्टैंड करवा देता हूँ। देखो इधर मैंने गाड़ी रखने का एक कारण ये है, इधर से गाड़ी लो कोई भी रेस होगा बस कंप्लीट कर लो खुद, कहना गाइस। तो अभी चलते हैं, सो जाते हैं, टेस्ला को ले जाते हैं हमारे घर पे और सो के ये डे भी पार कर लेते हैं, ठीक है ना। और मंडे था और 2 दिन बाद हमारा ये है, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्शन है, देखते हैं ऑक्शन में कौन सा गाड़ी आता है, अगर अच्छा खासा गाड़ी कुछ आता होगा तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, कुछ दिन स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को ड्रैग रेस वगैरह देखने में, तो देखो हर ड्रैग रेस में मैं ही जीतूंगा, मेरे को हराने वाला है नहीं कोई इस गेम के अंदर, ठीक है ना। तो फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो ये है ना कि भाई स्किप कर दिया जाए इस पार्ट। देखो मैं तुम लोगों का टाइम का कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करता हूँ, देख पा रहे हो इससे। तो जल्दी से जल्दी काम करते हैं कि हमें कुछ एक ही रेयर कार अगर मिल जाता है मज़ा आ जाएगा, लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रहा, पता है गाइस क्या दिक्कत है मेरे ना, गलत रखा है भाई। तो जैसे कि गाइस देख पा रहे हो सारे घटिया गाड़ी ये पे आके रखा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ फिर जाके सो जाता हूँ, क्या ही करूँगा, सारे घटिया गाड़ी आके रखा है उधर। और अभी ड्रैग रेस को चेंज करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुपर कट्स हमारे पास, मतलब सुपर रेयर कट्स बहुत कम है हमारे पास, ठीक है ना। रेयर कट्स अगर मिलता है तो मजा आ जाएगा मेरे हिसाब से, मैं सिर्फ ड्रैग रेस चेक करूँ और जाके सो जाता हूँ। तो गाइस कुछ देर तक मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद ही मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है ना गाइस। तो यार गाइस जैसे ही तुम लोग देख पा रहे हो 53 डेज तक हो चुका है, 153 डेज, लेकिन 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 इन दिनों में इतने बार ऑक्शन आया लेकिन एक ही बार मेरे को कोई रेयर कार्ड नहीं देखा इन वाले ऑक्शन पे, ठीक है ना गाइस, जैसे कि इस बार भी नहीं है तुम लोग। तो पता नहीं गाइस क्या हो चुका है, मेरे को रेयर कार्ड मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना, तीनों में से एक भी रेयर कार्ड मिला ही नहीं है मेरे को, ठीक है ना गाइस। तो मैं अभी क्या ही करूँ, मैं क्या ही बोलूँ भाई, एक भी इतना भाई मैं सूटा वगैरह सब गाड़ी चेंज कर लिया फिर भी
क्या पता पता नहीं मेरे को भाई रियर कार्ड मिल ही नहीं रहा भाई। और रियर कार्ड जितना भी मेरे को दिखा है अभी तक सिर्फ ड्रैग रेस में दिखा है, ठीक है ना गाइस। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ड्रैग रेस में सारे गाड़ी दिख रहा है, पता नहीं कैसे दिख रहा है। और मैं क्या सोचा हूँ अभी इतना टाइम तक, देखो गेम थोड़ा सा ज़्यादा ही लैग कर रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। तो मैं क्या सोचा हूँ कि हम महंगा गाड़ी छोड़ के सब गाड़ी बेचने वाले हैं, जैसे कि हमारा पोर्शे हो गया, फरारी हो गया, इन सारे गाड़ियों को छोड़ के ये जितना भी गाड़ियां हैं देख पा रहे हो इधर 1 लाख के नीचे जितना भी गाड़ियां हैं, मैं सारे गाड़ियों को बेच दूंगा साथ ही साथ इस टुकड़ा को भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास महंगा महंगा गाड़ी ऑलरेडी है, ठीक है ना गाइस। तो मैं क्या सोचा हूँ कि इन सारे गाड़ियों को मैं इधर स्कैन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए गाइस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को भाई लिटरली बोल रहा हूँ मैं गाड़ी मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से गेम तो अभी मस्त लैग करना स्टार्ट कर चुका है जैसे कि, और ये हमारा लास्ट, ये मैं इस वाले सीरीज को बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ कारपोर सेलिंग का हमारा। और क्योंकि हम तो हमारे पास अभी हर कुछ है सिर्फ 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 सारे रेयर कार कलेक्शन का वही आने बाकी है। अभी मैं उसमें फोकस करने वाला हूँ कि भाई हमें जैसे भी तैसे करके सारे रेयर कार्स मिल जाए। मैं ऑफलाइन ही ढूंढने वाला हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। जैसे कि तुम लोग देखा हो, तुम लोगों को लगेगा कि भाई तो थोड़ा टाइम से ही आ गया, लेकिन मैं इसके जो कट सीन्स चला है इसको अगर मैं अगर प्ले कर दूँ ना तुम लोग पागल हो जाओगे। इतना टाइम तक मैंने खोजा हूँ, ठीक है ना, इस वाले गाड़ियों को, सारे गाड़ियों को, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं मिला। एक जितना दिन था तुम उतना दिन जोड़ दो, ऊपर पे ऊपर साइड में देखो संडे कुछ दिन दिखा रहा है, 153 दिखा रहा है। और तुम जब वो कार्ड सीन में जाना और उधर देखना कितना दिन दिखा रहा है, उतना दिन मैंने स्किप किया है तुम लोगों के सामने, ठीक है ना। तो मैं ऑफलाइन गाड़ियों को ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ इस गेम का। तब तक तुम लोग सेफ रहना। तो गाइस प्लीज तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो जरूर करना, एक कमेंट तो प्यारा सा कमेंट तो होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। और फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ कि देखो जब तक मेरे को सुबह सारे रेयर कार्ड्स मिल ना जाता है तब तक इस गेम का और कोई वीडियोस आने नहीं वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं तुम्हें वो दिखा के वो दिखने वाला दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, उसके बगैर हम लोग और गेम खेलेंगे तो उसी में फायदा होगा हमारा, ठीक है ना। तब तक मैं ऑफलाइन ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं ना वीडियो के साथ गाइस, और तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा गेम्स आने वाला है। तो मिलते हैं ना वीडियो के साथ, बाय एपिसोड गाइस, बाय।